हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लिटरेरी क्रिटिसिज्म की, और लिटरेरी क्रिटिसिज्म में भी हम बात करेंगे एरिस्टोटल की। एरिस्टोटल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लिटरेरी क्रिटिक है, और ग्रीक जो क्रिटिसिज्म की शुरुआत मानी जाती है वो मेन जो है वो प्लेटो से मानी जाती है, लेकिन सेकेंड नंबर पर जो है वो एरिस्टोटल आते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एरिस्टोटल के जो उनको वर्क था, क्रिटिसिज्म का वर्क था पोएटिक्स, उसके बारे में, और उनके व्यूज़ जो हैं वो ड्रामा के बारे में, ट्रेजेडी के बारे में, हीरो के बारे में, वो क्या है प्लॉट के बारे में, वो सारा आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ जो है एरिस्टोटल के जो गुरु रहे हैं प्लेटो, उनके ऊपर सबसे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख लीजिए, ताकि आपको जो है क्रिटिसिज्म का जो है स्टार्टिंग से ही जो आपको समझ में अच्छे से आ जाए, और आपको फिर जो है एरिस्टोटल को समझने में दिक्कत ना आए। तो स्टार्ट करते हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो है उनका जन्म जो है वो हुआ था 1384 BC से लेके, और उनको हुआ था, और उनकी डेथ जो है वो 322 BC में जो है वो मानी जाती है। एरिस्टोटल का जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था ग्रीक के अंदर, और वो एक ग्रीक फिलोसोफर थे, और सेकंड जो है वो डिसाइपल थे प्लेटो के। तो उसके बाद जो है जो एरिस्टोटल का मेन वर्क जो रहा है वो रहा है द पोएटिक्स। पोएटिक्स के अंदर जो है उनके सारे आइडियाज़ रहे हैं। नेक्स्ट है कि उन्होंने जो है माइमेसिस जो है, जिसके ये माइमेसिस जो टर्म थी वो प्लेटो ने दी है, और माइमेसिस का मतलब होता है इमिटेशन या रिप्रेजेंटेशन या फिर एक्सप्रेशन। ये जो है गिवन दैट एग्जांपल म्यूजिक इज ए फॉर्म ऑफ माइमेसिस एंड ऑफन देयर इज नो म्यूजिक इन द रियल वर्ल्ड टू बी इमिटेटेड और रिप्रेजेंटेटिव। तो उनका कहने का मतलब ये है कि म्यूजिक जो है वो रियल वर्ल्ड में जो है वो कहीं पे नहीं है, लेकिन वो जो है सिर्फ इमिटेट किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये उनका जो है माइमेसिस का कंसेप्ट है। उसके बाद जो है उन्होंने एरिस्टोटल ने कैथारसिस का कंसेप्ट दिया है। कैथारसिस का मीनिंग होता है पर्गेशन या प्योरिफिकेशन, या जो है इसका क्लासिफिकेशन भी है, और एक जो सबसे बेस्ट जो इसका मीनिंग जो दिया गया कैथारसिस का वो होता है एस्थेटिक प्लेजर। उसके बाद जो है वो इंसिडेंट्स के अंदर जो भी ट्रेजेडी होती है उनके अंदर इंसिडेंट्स के बारे में वो कहते हैं कि इंसिडेंट शुड बी सीरियस, यानी जो भी स्टोरी, जो भी हम ट्रेजेडी जो है जब हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो ट्रेजेडी के जो भी इंसिडेंट्स होंगे सबसे पहली बात जो है वो सीरियस होने चाहिए, और वो उसके उनके अंदर कॉमेडी नहीं होनी चाहिए, तभी वो जो है एक ट्रेजेडी बनेगी। नेक्स्ट है पेरिपेशिया। पेरिपेटिया जो है वो क्या है होता है वो रिवर्सल। एरिस्टोटल के हिसाब से पेरिपेटिया होता है रिवर्सल, द फेटल वर्किंग ऑफ द प्लॉट, यानी जो मेन प्लॉट के अंदर टू रिजल्ट द अपोजिट ऑफ द इंटेंडेड, यानी जो इंटेंड किया गया है, जो सोचा गया है, अगर जब उसका उल्टा हो जाता है तो वो क्या होगा, वो पेरिपेटिया होगा, और ये हमेशा ट्रेजेडी के अंदर होता है। उसके बाद उन्होंने एक टर्म दी है एग्नोसिस जो है उन्होंने दिया है रिकॉग्निशन या आइडेंटिफिकेशन। इसके अंदर क्या होता है, चेंज होता है फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज, यानी जब हम किसी चीज़ का ट्रेजेडी के अंदर जब पहले जिस चीज़ का पता नहीं होता, लेकिन बाद में वो चीज़ जो है एक्नॉलेज हो जाती है, उसका पता चल जाता है, तो उस सिचुएशन को जो है एग्नोसिस जो है वो एरिस्टोटल ने कहा है। नेक्स्ट जो टर्म उन्होंने यूज़ की है हमार्शिया। हमार्शिया होता है कि या तो मिस कैलकुलेशन या एक ट्रेजिक फ्लो जो है वो होता है किसके अंदर, मेन करेक्टर के अंदर, यानी जो भी ट्रेजेडी का हीरो होगा उसके अंदर जो है हमार्शिया होगा, यानी उसके अंदर जो है मिस कैलकुलेशन होगा, या फिर वो जो है ट्रेजिक फ्लॉ होगा, यानी उसके अंदर जो है कोई ना कोई एक ऐसी कमी होगी जिसके बेस पे जो है सारी जो है ट्रेजेडी होगी प्ले के अंदर। उसके बाद है मैथोस। मैथोस क्या है, मैथोस एरिस्टोटल के हिसाब से वो प्लॉट को जो है वो मैथोस कहते हैं, और उस प्लॉट का जो है स्ट्रक्चर, इसके मतलब प्लॉट के अंदर क्या होगा, स्ट्रक्चर वो है एक्शंस का स्ट्रक्चर होगा। प्लॉट का मीनिंग क्या होगा कि प्लॉट के अंदर क्या होगा, एक्शन का स्ट्रक्चर होगा। प्लॉट में भी बोरोड और इन्वेंटेड, यानी प्लॉट जो है वो आप या तो कहीं से ले सकते हैं या फिर आप खुद से भी जो है उसको
इन्वेंट कर सकते हैं। उसके बाद है इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ ए ट्रेजिडी, और ये जो है एरिस्टोटल के हिसाब से प्लॉट को वो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ट्रेजिडी के अंदर, और ये एक मेन पार्ट होता है ट्रेजिडी का। उसके बाद कहता है इथोस, इथोस मीन मतलब करेक्टर्स। उसके बाद डायनोया, डायनोया जो है वो होता है थॉट या उस ट्रेजिडी की थीम, मेन थॉट और थीम क्या होती है वो होता है। नेक्स्ट है लेक्सिस, लेक्सिस होता है डिक्शन या स्पीच। नेक्स्ट मेलोज, मेलोज मतलब मेलेडी, और ऑप्सिस, ऑप्सिस मतलब स्पेकल। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है टर्म जो है वो एरिस्टोटल ने दी है ट्रेजिडी के अंदर कि कौन कौन से पार्ट जो है उनको क्या क्या कहा जाता है। उसके बाद कहता है कि एरिस्टोटल ये कहते हैं कि एरिस्टोटल ट्रेजिडी को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उनके हिसाब से ट्रेजिडी है सिक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उनके ट्रेजिडी के छः पार्ट होते हैं प्लॉट, करेक्टर, डिक्शन, थॉट, स्पेकल एंड सॉन्ग। और एग्ज़ाम्स के अंदर मोस्टली यही कुछ सीरीज़ में से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिक्स पार्ट में से कौन कौन से जो है ट्रेजेडी के सिक्स पार्ट कौन कौन से हैं एरिस्टोटल के हिसाब से। तो ये सिक्स पार्ट हैं प्लॉट, करेक्टर, डिक्शन, थॉट, स्पेकल एंड सॉन्ग। नेक्स्ट है एरिस्टोटल ने एम्फसिस ऑन यूनिटी ऑफ एक्शन इन ड्रामा, उन्होंने एक्शन थ्री यूनिटीज़ में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो दी है वो दी है यूनिटी ऑफ एक्शन को। और उसके बाद ट्रेजेडी इज सुपीरियर टू एपिक। नेक्स्ट एरिस्टोटल जो है वो ट्रेजिडी को, जो ट्रेजिडी है उसको सुपीरियर मानते हैं, एपिक से भी ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं ट्रेजिडी को। द अल्टीमेट ऑफ ट्रेजिडी इज़ टू गिव एस्थेटिक प्लेजर, और वो ये मानते हैं कि ट्रेजिडी का जो अल्टीमेट एम होगा वो जो है एस्थेटिक प्लेजर देना होगा, और यही इसका मेन काम होगा। उसके बाद जो है ये कहते हैं कि जो स्टोरीज होंगी ट्रेजिडी की वो कहाँ से ली जाएंगी, तो वो स्टोरीज जो होंगी वो या तो हिस्ट्री से ली जाएंगी या माइथोलॉजी से या फिर लीजेंडरी या लीजेंड्स से जो है ये इन चीज़ों से जो है जो ट्रेजेडी की जो स्टोरी होगी वो यहाँ से ली जाएंगी, हिस्ट्री से ले जाएगी, माथोलॉजी से ले जाएगी, लीजेंड से ली जाएगी, पुरानी जो भी कहानियाँ होंगी उनसे ली जाएगी। एरिस्टोटल ने फोर इंपॉर्टेंट फीचर्स बताए हैं करेक्टर्स के, और ये कहाँ पे मेंशन किया उन्होंने, एरिस्टोटल ने चैप्टर 15 में पोइटिक्स का, द पोइटिक्स का जो चैप्टर नंबर 15 है वहाँ पे मेंशन किए हैं। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि एरिस्टोटल ने जो है एक गुड करेक्टर के जो फीचर्स बताए हैं उनको कहाँ पे मेंशन किया है पोइटिक्स की कौन सी बुक के अंदर, तो उन्होंने बुक्स नंबर 15 के अंदर जो है मेंशन किया है। नंबर वन, करेक्टर मस्ट बी गुड, सबसे पहले करेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। सेकेंड नंबर पर द करेक्टर मस्ट बी अप्रोप्रिएट, कि बिल्कुल सही होना चाहिए, उसके अंदर सारी चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद दे मस्ट बी ट्रू टू लाइफ, यानी हमें ऐसा लगना चाहिए कि हाँ लाइफ से रिलेटेड है, ऐसा नहीं हो कि कुछ सोई सुपर नेचुरल एलिमेंट उसके अंदर दिखा दें जिनके अंदर हम जिसके ऊपर हम बिलीव ही ना कर पाएँ। तो और उसके बाद है कि द करेक्टर मस्ट बी कंसिस्टेंट, बल्कि करेक्टर जो है हमारा कंसिस्टेंट होना चाहिए। उसके बाद जो है मेन पोइटिक्स उनकी क्या है, द पोइटिक्स इज अ शॉर्ट ट्रीटाइज ऑफ 26 चैप्टर, जो पोइटिक्स जो इनका वर्क है उसके अंदर 26 चैप्टर हैं। इट मेनली डिस्कसेस ट्रेजेडी, एपिक एंड कॉमेडी, और इसके अंदर स्पेशली जो है ट्रेजेडी, कॉमेडी और एपिक को डिस्कस किया गया है। इट ओरिजिनेट्स हिस्टोरिकल मेथड ऑफ क्रिटिसिज्म, और एरिस्टोटल की जो ये द पोइटिक्स है इससे जो है ये माना जाता है कि हिस्टोरिकल मेथड ऑफ क्रिटिसिज्म की शुरुआत हुई है। और जो एरिस्टोटल हैं वो एक रियलिस्ट हैं, सेकंड वो अप्रिशिएट करते हैं पोइट्री की, यानी यहाँ पे आके जो है एरिस्टोटल और प्लेटो के अंदर डिफरेंस दिखाई देता है कि प्लेटो जहाँ पे पोइट्री को जो है बहुत ज़्यादा डिस्कार्ड करते थे, उसको पसंद नहीं करते थे और अपने कॉमनवेल्थ से जो है उनको वैनिश करना चाहते थे पोइट्री को, वहीं जो है एरिस्टोटल जो कि उनके डिसाइपल रहे हैं, उनके शिष्य रहे हैं प्लेटो के, तो वो जो है पोइट्री को अप्रिशिएट करते हैं। ए द डिसाइपल ऑफ प्लेटो, और एरिस्टोटल जो है वो प्लेटो के डिसाइपल हैं। नेक्स्ट है लाइक एंड पोइट्री टू म्यूजिक, और जो एरिस्टोटल हैं वो पोइट्री को म्यूजिक के साथ कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट है पोइट्री सुपीरियर टू फिलोसफी, उनके हिसाब से एरिस्टोटल के हिसाब से पोइट्री जो है वो फिलोसफी से सुपीरियर है। जहाँ पे ये यहाँ पे भी जो है प्लेटो जो है वो फिलोसफी को सुपीरियर मानते थे,
लेकिन जो एरिस्टोटल है वो पोइट्री को सुपीरियर मानते हैं। उसके बाद ये कहता है कि इमोशन यूजफुल एंड ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस फॉर द लिटरेरी और पोएटिक क्रिएशन। जहाँ पे प्लेटो ये कह रहे थे कि जो इमोशंस होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, पोइट्स होते हैं, वो इमोशंस में बह के जो है अपना कुछ वर्क जो है वो बनाते हैं, और वो जो है इसलिए उनको बर्निश करना चाहते हैं। लेकिन जब एरिस्टोटल कहते हैं कि इमोशंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उनकी, और उसी से जो है लिटरी और पोइटिक क्रिएशंस होता है, यानी इमोशंस होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है हमारे लिए। एरिस्टोटल जो है एक साइंटिफिक माइंड के थे। नेक्स्ट जो है, इमिटेशन इज़ नॉट ए मेयर फोटोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सर्फेस थिंग्स बट इट इज़ ए क्रिएटिव प्रोसेस। प्लेटो ये कहते हैं कि जो पोइट्स होते हैं वो सिर्फ जो कॉपी की कॉपी करते हैं, थ्राइस रिमूव करते हैं रियलिटी से, और वो जो है सिर्फ एक प्रोसेस को जो है माइमेसिस प्रोसेस कहते हैं। जबकि एरिस्टोटल कहते हैं कि इमिटेशन जो है वो एक फोटोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मेयर जो है इमिटेशन नहीं है ये चीज़ों का कि हमने सर्फेस की कोई चीज़ ली और उसको इमिटेट कर दिया, बट ये क्रिएटिव प्रोसेस है। तो वो पोइट्स को जो है उनकी क्रिएटिविटी को जो है एक क्रिएटिव प्रोसेस मानते हैं, और ये जो है सिर्फ ये नहीं कहते कि ये नकल की नकल है, ऐसे नहीं बोल रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि ये बहुत जो है क्रिएटिव काम है। द पोइट सेलेक्ट एंड ऑर्डर हिज मटेरियल एंड इन दिस वे ही रिक्रिएट्स रियलिटी। यानी एरिस्टोटल बोल रहे हैं कि पोइट जो है अपने जो भी वर्क होता है उसका वर्क को जो है अपने मटेरियल को इकट्ठा करते हैं और उसके बाद उसको सेलेक्ट करके और उसको रिक्रिएट करते हैं दोबारा से रियलिटी को। तो इस तरह से जो है ये क्रिएटिव प्रोसेस है, ये एक मेयर माइमेसिस जो है नहीं है। ही कैन रिप्रेजेंट मैन बेटर देन इन रियल लाइफ। और ये कहता है जितना मैन अपनी रियल लाइफ में बेटर होता है, पोइट जो है मैन को उससे भी ज़्यादा जो है बेटर दिखाने की, रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। एरिस्टोटल एम्फसाइज द यूनिटी ऑफ एक्शन, और एरिस्टोटल जो है वो यूनिटी ऑफ एक्शन पे जोर देते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, द अल्टीमेट एम ऑफ ट्रेजिडी इज टू गिव एस्थेटिक प्लेजर। और ये कहते हैं कि ट्रेजिडी का जो अल्टीमेट एम होता है वो होता है एस्थेटिक प्लेजर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, द ट्रेजिक प्लॉट मस्ट बी ए होल कम्प्लीट इन इट्सेल्फ। ये कहता है प्लॉट जो है अपने आप में जो है एक होल होना चाहिए, अपना आप में कंप्लीट होना चाहिए अपने, और जो है प्लॉट जो है वो ना तो जो है कम, इट शुड हैव ए बिगनिंग एंड ए मिडल एंड एंड। यानी इसकी जो है कंप्लीट होने का मतलब ये है कि इसकी एक प्रॉपर बिगनिंग होनी चाहिए, एक मिडल होना चाहिए और एक एंड होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नीट्यूड। उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है मैग्नीट्यूड, कि ट्रेजेडी के अंदर मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड से उनका मतलब है मींस द प्लॉट मस्ट हैव ए सर्टन लेंथ और साइज, कि प्लॉट की एक जो है सर्टन लेंथ और साइज होना चाहिए। इट शुड बी नाइदर टू स्मॉल नॉर टू लार्ज, यानी यह ना तो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए। प्लॉट इज प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द ट्रेजेडी, और वो ये मानते हैं कि प्लॉट जो है वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ट्रेजेडी का। इट कंसिस्ट ऑफ इवेंट्स एंड इंसिडेंट्स, और प्लॉट के अंदर क्या होते हैं, इवेंट्स होते हैं और इंसिडेंट्स होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब इंसिडेंट कैसे होने चाहिए किसी भी ट्रेजेडी के या किसी भी वर्क के। इंसिडेंट्स शुड बी सीरियस, इंसिडेंट्स जो है ट्रेजेडी का सीरियस होने चाहिए। और प्लॉट कैसा होना चाहिए, प्लॉट में भी सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ये कहते हैं कि प्लॉट सिंपल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी, लेकिन वो ज़्यादा एरिस्टोटल प्रेफर करते हैं कॉम्प्लेक्स प्लॉट के, क्योंकि सिंपल जो है सिंपल में सिंपल स्टोरी चलेगी और वो ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, इसलिए जो और ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगी। तो जो ट्रेजिडी का जो प्लॉट होगा वो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। उसके बाद कहते हैं देयर शुड बी नो मिक्सिंग ऑफ ट्रेजिक एंड कॉमी। तो एरिस्टोटल जो थे वो बहुत ज़्यादा खिलाफ थे मिक्सिंग के ट्रेजिक कॉमेडी के, मतलब ट्रेजिक कॉमेडी के जो है वो खिलाफ थे, और वो ये कहते थे कि ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों अलग अलग होनी चाहिए और उनकी मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। पोइटिक जस्टिस में भी मेंटेन। उसके बाद एरिस्टोटल ये कहते हैं कि उनके जो वर्क्स होते हैं, जो ट्रेजेडी होती है, उसके अंदर पोइटिक जस्टिस होना चाहिए। इट मीन्स कि जो गुड है वो मस्ट बी डिवाइडेड एंड एविल मस्ट बी पनिश्ड इन द एंड, कि एंड की स्टोरी की एंड के अंदर, ट्रेजेडी के अंदर जो गुड है उसको रिवार्ड मिलना चाहिए और जो एविल है उसको पनिशमेंट होनी चाहिए, यानी उसको पनिश करना चाहिए।
ये जो है ये पोएटिक जस्टिस होगा। उसके बाद ये कहता है, ये फेमस डेफिनेशन है एरिस्टोटल की ट्रेजेडी की, ट्रेजेडी की डेफिनेशन वो ये कहते हैं, द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन सीरियस कंप्लीट एंड ऑफ ए सर्टन मैग्नीट्यूड इन ए लैंग्वेज ब्यूटीफुल इन डिफरेंट पार्ट्स विद डिफरेंट काइंड ऑफ एम्बेलिशमेंट। यानी क्या है कि ट्रेजेडी क्या है, एक इमिटेशन है और एक्शंस का, एक्शन कैसे सीरियस भी हो सकते हैं और कंप्लीट होते हैं और उनके अंदर एक सर्टन मैग्नीट्यूड होता है, और ये जो है एक ब्यूटीफुल लैंग्वेज होती है और एक टाइप से जो है ये डिफरेंट काइंड की होती है। तो ये इसकी डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट नहीं है। तो लेकिन ये मोस्टली एग्जाम्स के अंदर पूछ ली जाती है कि जो ये डेफिनेशन देखे कि ये द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन एंड सीरियस में ये किसकी डेफिनेशन है, ट्रेजिडी की। तो ये ट्रेजिडी की डेफिनेशन किसने दी है, ये एरिस्टोटल ने दी हुई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एरिस्टोटल के बारे में, उनकी क्रिटिसिज्म के बारे में, और उनके जो मेन आइडियाज़ थे वो बेसिकली इसी में जो है द पोइटिक्स के अंदर ही दिए गए हैं। दोनों जितनी जो दो वीडियो में अभी तक मैंने बनाई क्रिटिसिज्म से रिलेटेड, तो उनसे रिलेटेड, प्लेटो से रिलेटेड और एरिस्टोटल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी वो कि वो आपको मैं करा दूँ, ताकि अच्छे से जो है आपको समझ में आ जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी, और अगर आपने प्लेटो से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी है तो वो आप जाके मेरी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आई होप कि स्टूडेंट्स ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी, और इसी होप के साथ थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।